अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं अहमद चौधरी और मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है डोंट रश। सो अब ये टॉपिक मेरे जहन में आया कैसे और ये कैसे सब कुछ हुआ, इसका मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। एक दिन मैं अपनी वीडियो के बारे में सोच रहा था, तो मेरे वीडियो का टॉपिक था कि स्टार्ट अर्ली, ठीक है। अब बेसिकली ये वही वीडियो है, मगर इसका मैंने टॉपिक थोड़ा डिफरेंट रख दिया। तो मेरे रूममेट ने पॉइंट आउट किया कि डोंट क्रिएट पैनिक। उसने कहा कि आप स्टार्ट अर्ली कह के तो एक कह लो कि पैनिक रश क्रिएट कर रहे हो, तो वो चीज़ ना करो। तो मैंने कहा कि चलें इस पॉइंट को वाकई क्लियर करना चाहिए कि अगर हमने स्टार्ट अर्ली करना है तो क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली बात ये है कि स्टार्ट अर्ली, इसका मतलब आपने कुछ भी काम करना है तो आप जितनी जल्दी उसे स्टार्ट करोगे उतना आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल जाएगा विद टाइम, ठीक है। मे बी आप शुरू में बहुत बुरी तरह फेल हो जाए, मे बी, मगर ये है कि आप उससे बहुत ज़्यादा लर्न करोगे, ठीक है। डैट्स वाई स्टार्ट अर्ली। मगर अब मसला ये है कि स्टार्ट अर्ली करने से फिर पैनिक भी क्रिएट हो जाता है, रश की सिचुएशन, वो सारी चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। होता ये है कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश कर रहे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं कि यार अब मैंने ये चीज़ स्टार्ट की है, आई शुड बी इंडिपेंडेंट बाय नाउ, और लाइक मुझे अपना खर्चा खुद उठाना चाहिए, ये वो एवरीथिंग। तो बात यह है कि खासतौर पे हम पाकिस्तान में, हमें पता है कि यूनिवर्सिटी लाइफ में हमें घर से खर्चा मिलता है, सब कुछ इस तरह ज़्यादातर यही सिस्टम होता है। तो ईजी हमें रहना चाहिए, ईजी, ठीक है। यानी हमने कोई काम स्टार्ट किया है, हमें उसे कंटिन्यू करना है, अगर उससे इनफ इनकम आ रही है, ठीक है, हम घर वालों को बता सकते हैं कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मुझसे इतनी इनकम आ रही है तो मैं आपसे इतने कम पैसे लेना चाहता हूँ, ठीक है, और उसे कंटिन्यू रखें। मगर आपके घर वाले आपको पुश नहीं कर रहे अगर कि भाई ये करो करो, तो आप खुद को ये ना सोचो कि यार मुझे अब इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए था और मैं नहीं हो पाया तो आई एम अ फेलियर, इस तरह की चीज़ें। तो इसलिए हमें पैनिक नहीं करना, ईजी रहना है, कोई भी काम स्टार्ट करना है, लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक। और अगर लेट से अगर आप उस काम पे सक्सेसफुल नहीं हुए तो आपने नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट करनी है, पिछले की मिस्टेक्स को आपने एनालाइज करना है कि क्या क्या चीज़ें थी जो गलत की, क्या क्या कुछ मैंने सीखा और अब मैं उसे कंटिन्यू करूँगा फर्दर। तो हमारे पास जो है वो टाइम है आपके पास, क्योंकि ज़िंदगी का वेल से पता तो नहीं होता, मगर एवरेज एज अगर हम लगाएं लाइक इट 65, तो अगर आप अपने 20s में चीज़ स्टार्ट करते हो, आप अगर अपने टीन एज में स्टार्ट करते हो, दैट्स परफेक्ट, ठीक है। उससे ये होगा कि आपके पास जब आप अपने 20s में, जब आप 25 में, जब लोग अपना करियर स्टार्ट कर रहे होंगे यूनिवर्सिटी की डिग्री से फारिग होकर, उस वक्त आपके पास पहले ही एक इनफ एक्सपीरियंस आ चुका होगा और अब आप कह लो कि उस फील्ड में एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो यही चीज़ है कि आपने फोकस करना है कि स्टार्ट अर्ली बट डोंट पैनिक, ठीक है, और अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनसे लर्न करना है। ये नहीं है कि बस गलतियां हो गई और उन्हें ठीक है, अब वो गलती होगी मगर उसके बाद ये मेरा लग चल गया, ये चीज़ ठीक होगी तो डैट से नहीं। अब देखो यार वो चीज़ मैंने गलत की थी, क्यों की थी, कैसे की थी, और आप ना मेंटोर अपना एक ज़रूर सेट करो। यानी कि आपने ऐसे करना है कि अपने करीब आप लोग देखोगे, आप यूनिवर्सिटी में आओगे आपको अपने सीनियर्स कहीं मिल जाएंगे, मे भी आपको यूनिवर्सिटी में ना मिले, आपको किसी और यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा, कहीं से नहीं मिल रहा आपको, फेसबुक में मुख्तलिफ ग्रुप से लोग मिल जाएंगे, कुछ लोग होंगे जो आपको नहीं रिप्लाई करेंगे मगर कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको सिंसियर एडवाइस देने के लिए तैयार होंगे, तो आप उनसे पूछो, उन्हें बहुत ज़्यादा तंग ना करो, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा तंग करोगे तो वो आपको रिप्लाई देना बंद कर देंगे। तो उनसे इनफ चीज़ें पूछो अच्छे से, जो क्वेश्चन जो है आपको लगता है कि यार ये चीज़ मुझे उनसे ज़रूर कंसल्ट करनी चाहिए, वो करो, आराम सुकून से हर चीज़ करो, ठीक है, फिर टाइम हर चीज़ इंप्रूव हो जाएगी। पैनिक ना क्रिएट करो, यार मुझे इंडिपेंडेंट होना और मैं नहीं हो पा रहा, मुझे लाइक 3 महीने हो गए फाइवर चलाते और अभी मेरे 10 ऑर्डर हैं। 3 महीने में अगर आपके 10 ऑर्डर हैं, इट्स एक्चुअली गुड, ठीक है, आप अच्छे बात पर जा रहे हो, सिर्फ आपको कंटिन्यू करना है और आपको देखना है कि इसे और किस तरह की चीज़ों से मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या सिर्फ फाइवर पर रहना ठीक है, क्या मैं और चीज़ें अंदर ऐड कर सकता हूँ, यानी उन सारे फैक्टर्स पे देखो, बजाय इसके के बैठ के और डिप्रेस होते रहो कि यार इतना टाइम हो गया मुझे चीज़ करते हुए और मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं अभी तक ये नहीं कर पा रहा, ये नहीं हो पा रहा। तो उन सब चीज़ों से दूर रहो और आराम से चीज़ों को एनालाइज करो, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है, आपको ये आपको खुद सोच रहे हैं कि यार मेरे पास बहुत टाइम है। अगर आप कह लो कि पैनिक करके अभी आप लेट से कुछ भी नहीं कर पाओगे तो आपने वो सारा टाइम ज़ाया कर देना है पैनिक में और डिस्टर्बेंस से और क्या कहते हैं डिप्रेशन से। सो इसलिए आपको करना ये है स्टार्ट अर्ली, ये तो 100% बात है, इससे मैं पीछे नहीं हट रहा कि स्टार्ट अर्ली करना चाहिए, स्टार्ट अर्ली तो हमें हमेशा करना है। उसके बाद हमें ये करना है कि अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनसे सीखना है और फिर हमें अगले स्टेप्स में जाना है।
और हमें एक मेंटोर ढूंढना है जिससे हमें गाइडेंस लेनी है। तो ये कुछ तीन पॉइंट्स थे, छोटा सा मैसेज था जो आप लोगों तक मैं पहुंचाना चाहता था, एंड दैट्स इट। ओके, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।